वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों, बहुत बड़ी अच्छी न्यूज आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर 2000 पदों पर होगी भर्ती, और ये जो एक तरह से नोटिफिकेशन आया है वो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया है। देखिए, पूरी डिटेल मैं आज आपको बताता हूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की हर एक जानकारी से आपको रूबरू कराया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपकी एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के ओपी सिंह, उन्होंने क्या कहा और कौन सी जगह पर कहा और कितने पद की बात कही गई है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी यहाँ पर बोला है, उन्होंने ओपी सिंह ने, कि पुलिस में 52,000 भर्ती इसी माह में होंगी। अच्छा, देखिए यहाँ पर पूरा रिपोर्ट है, क्या मथुरा की टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये आया है। उन्होंने बोला है, सूबे में 1.20 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है, इसलिए भर्ती कराई जा रही है। इसी महीने 51,950 जवानों की भर्ती कराई जाएगी। 28,000 जवानों की ट्रेनिंग पहले से ही चल रही है। सुल्तानपुर व जालौन में नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। साइबर क्राइम की रोकथाम को भी 2 थाने खोलने की तैयारी की जा रही है। ये कहना था यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह का, जो शुक्रवार पुलिस लाइन में अपराध की समीक्षा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की, और पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया। आगे बात कही थी उन्होंने कि 1.5 साल में सांप्रदायिक कोई भी दंगा नहीं हुआ। जब उनसे दंगे के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, उनके जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। डीजीपी ने कहा कि यूपी में पुलिस को तकनीकी व व्यवहारिक रूप से बेहतर करने का कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। वर्ष 2019 पुलिस के लिए प्रशिक्षण वर्ष के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में कहीं भी संगठित अपराध नहीं हुआ। देख सकते हैं, मथुरा में ये समीक्षा यानी कि एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दरमियान पुलिस हमारे डीजीपी साहब ओपी सिंह ने बताया कि मथुरा लाइन में समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान इस बात का खुलासा किया। कहा, सुल्तानपुर और जालौन में खुलेंगे 2 नए ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज्यादा संख्या में खोले जा रहे हैं। ऐसा सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मियों की जो भर्ती कराई जा रही है, भर्ती होने के बाद जब उनका ट्रेनिंग होगा तो उनके लिए सफिशियंट जगह का एक इंतजाम किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद आपको यूपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आपको एक नई अच्छी सी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।